वहाँ पे वो कैमरा देने कैमरा का वो निकाल के फ्रेश लगा। हाँ स्वामी जी, यस आगे आ जाइए, पीछे वाले सब माता जी, माता जी सब आगे आ जाइए, सब माता जी। हाँ ठीक है, यस आपका आशीर्वाद। देखो एक बार मैं भी। हाँ स्वामी जी आप ही पधारिए। हाँ यस पधारिए, आप ही पधारिए। हाँ आराम से लेना। यस बोलिए आज के आनंद की अब सभी संत समाज से, आप सभी परम आदरणीय संतों से निवेदन है कि आप भोजन प्रसादी के लिए पधार जाएं इस तरफ। सभी आदरणीय संतों से और उन संतों के श्री चरणों में निवेदन है कि आप भोजन के लिए यहाँ पर पधार जाएं। हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं, आप सभी संतों को भोजन की तरफ एक बार ले आए ससम्मान। आप सभी जो हमारे स्वयंसेवक या विराजमान हैं, सभी आदरणीय संतों को ससम्मान। ये जो इधर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, थोड़ा संतों को अंदर बैठने के लिए जगह दे दे, थोड़ा आप दूर दूर हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। आदरणीय संतों से निवेदन है आप भोजन प्रसादी के लिए पधारे। जय श्री राम। जो भी लोग संत महात्माओं के साथ आए हैं उनसे निवेदन है कि साइड में इधर पंगत लगा रहे हैं, इधर विराजमान हो जाए। संत महात्माओं के साथ जो भी लोग आए हैं वो नीचे की तरफ पंगत लगाई जा रही है, वो विराजमान हो जाए। हाँ जी गोविंद जी, तेरा हमारा ही लेना है फोटो ज्यादा जी। कार्यक्रम निपट गया, हमारी मैडम का ले लो, हमारी सिस्टर का ले लो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। वीडियो ऑन है, चैनल कैसा लग रहा है? थोड़ा बताओ ना जी। आज इस चार अवरव राम नाम का सीता काट करके संत समाज का उद्घाटन कर दिया है और इसकी परिक्रमा करने का अद्भुत लाभ प्राप्त होगा सबको। और मैं तो कहता हूँ कि हर भक्त को इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। जब एक राम नाम का राम नाम, केवल एक राम का नाम लेने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। तो इस चार अरब नाम का परिक्रमा करने से उसको कितना लाभ प्राप्त होगा उसकी कल्पना अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ हर सनातनी, हर हिंदू धर्म को मानने वाले को इस राम नाम स्तंभ की जरूर परिक्रमा करनी चाहिए। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती